ये पास होने की अपेक्षा है, उम्मीद मन में कामना तो रहेगी, लेकिन होना नहीं होना ये जनता जनार्दन पर और ऊपर निर्भर करता है। हमारी तो उम्मीद है, हमारे प्रयास भी रहेंगे पास होने के लिए, लेकिन कोई भी विद्यार्थी इस उम्मीद से ही परीक्षा देता है, परिणाम आता है तो आएगा। आप सर, आप उसने सभी जगह नामांकन के दौरान रहे, नामांकन सभाएं आपने की, आपके संबोधन भी हुए, क्या लगता है पूरा माहौल देखकर, क्या लगता है सातों सीटों पर क्या आप दे सकते हैं? देखिए ये बात बिल्कुल सही है, हम सभी जगह पे गए, सब जगह बहुत उत्साहवर्धक वातावरण, कार्यकर्ताओं में जोरदार उत्साह। सबसे पहले तो आम नागरिक, चाहे वो मेरा संपर्क सबसे है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भी मेरा संपर्क है, मिलना जुलना होता है आपस में। हम राजनीति राजनीति की जगह है, लेकिन आपस में जब बैठते हैं तो बात करते हैं, तो कांग्रेस का कार्यकर्ता कहता है कि आपने उम्मीदवार चयन जो किया है बहुत अच्छा किया। आज कांग्रेस का कार्यकर्ता कहता है, मैं नाम नहीं लूंगा, कई कार्यक्रमों में हम बैठते हैं तो पास में कुर्सी लग ही जाती है, ऐसा तो हम कोई ऐसा तो होता नहीं है कि हम कोई रिश्ता करें तो पहले ये थोड़ी पूछते हैं कि आपका बेटा बीजेपी का है या कांग्रेस का है, बीजेपी का हो तो भी रिश्ता करें, ऐसा तो होता नहीं है। इसलिए हम आपस में तो मिलते बातचीत करते ही करते हैं, तो वो बोलता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता बोलता है कि साहब आपने उम्मीदवार बहुत सही चयन करके उतारे हैं, तो आधा चुनाव तो आप जीत गए। जब वो आधा चुनाव जीतने की बात करता है तो बाकी का चुनाव जीतना हमारे कार्यकर्ताओं के दमखम पर हम पूरा मानते हैं। और मैं सभी क्षेत्रों में गया हूँ, सभी क्षेत्रों में बहुत उत्साह है, हम सातों सीटें जीतेंगे। राष्ट्र के बाद पार्टी को माने, पहले राष्ट्र, यानी ये देखिए कैसी एक मतलब मैं सोचता हूँ कि एक आदर्श उच्च ही परिवार। तो आज हमारी पहले सदस्यता हुई और सदस्यता के बाद में सक्रिय सदस्यता का कार्यक्रम भी चला, और अब इसके बाद चुनाव प्रक्रिया जिसके हमारे राजस्थान के प्रदेश के संयोजक निर्वाचन अधिकारी हमारे संगठन के आदरणीय नारायण जी पंचारिया साहब, इनका बहुत बड़ा अनुभव है, इन्होंने कई बार संगठन के चुनाव भी कराए, राज्यसभा के सांसद भी रहे, राज्यसभा में मुख्य सचेतक की भूमिका भी जिन्होंने निभाई, और इतने वर्षों से अपना जीवन यूँ समझें कि पार्टी के लिए समर्पित किया, ऐसे अनुभवी वो हमारे निर्वाचन अधिकारी है। वैसे निर्वाचन अधिकारी की ज़्यादा मैं प्रशंसा करूँ तो मेरे लिए थोड़ा वो उनको भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन ऐसे निर्वाचन अधिकारी हैं जो स्वस्थ परंपरा अपनाए, उन्होंने अपने नीचे की टीम भी ऐसी तैयार की है, जिनको उन्होंने प्रशिक्षण भी दिया है कि योग्य व्यक्ति को रोका नहीं जाना चाहिए, उसकी योग्यता का निश्चित रूप से प्रतिफल उसको मिलना चाहिए, अयोग्य व्यक्ति किसी भी कीमत पर आना नहीं चाहिए। के बाद में राष्ट्रीय प्रतिनिधि का चयन होता है, और वो राष्ट्रीय प्रतिनिधि आगे जाके राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव करते हैं। एक आंतरिक लोकतंत्र मैं सोचता हूँ कि एक बहुत स्वच्छ शुद्ध परंपरा ये हमारी राजनीतिक पार्टी में है, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही देखा जा सकता है। हमारे यहाँ मतलब ऐसा नहीं है, जैसे अभी मैं अध्यक्ष हूँ, अगला अध्यक्ष कौन बनेगा इसका अभी कोई कह नहीं सकता। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन कौन बने उनकी कोई वंशानुगत कोई व्यवस्था नहीं है, हमारे योग्यता सेवा के काम के आधार पर और वो चयनित होकर के आगे आते हैं, ये केवल भारतीय जनता पार्टी में। इस देश के अंदर लगभग 2500 राजनीतिक पार्टियां हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश पार्टियां वो पारिवारिक पार्टियां बनकर रह गई, किसी व्यक्ति विशेष की पार्टी बनकर के रह गई, किसी परिवार के प्रति निष्ठा वो उसको आधार मान करके और लोग उसमें तैयार होते गए। हमारी पार्टी में ऐसा नहीं, हमारी पार्टी में राष्ट्र सर्वोपरि है, हमारे जो पंच निष्ठाएं
हमारे जो कार्यकर्ता जो सदस्य बनता है वो इसको स्वीकार करता है, सबसे पहले राष्ट्र, फिर हमारा संगठन और फिर हम, ये केवल हमारे ही देखा जा सकता है। अन्य पार्टियों में स्वयं से शुरू होता है, सदस्य बनाने के बाद ही, यानी उस व्यक्ति ने अपने परिश्रम से, अपने संपर्क से, अपने प्रभाव से सदस्यता अभियान में और जो योग्य हमारे देश के नागरिक हैं उनको हमारी पार्टी के साथ जोड़ने का काम करता है, फिर वो सक्रिय सदस्य बनता है, ये सक्रियता दिखाता है। फिर उसके बाद में हमारी संगठन का जो चुनाव प्रक्रिया प्रारंभ होती है वो नीचे के स्तर से होती है, प्रारंभ के स्तर से, बूथ से शुरू होकर के और मंडल स्तर तक जाती है, फिर मंडल समिति का चयन होता है, वो चुनाव है। फिर उसके बाद में मंडल समिति आगे जिला अध्यक्ष का भी चुनाव करती है और जिला से प्रदेश प्रतिनिधि के रूप में कार्यकर्ता चयनित होकर के आगे आता है, उसका भी जितने विधानसभाएं हैं उसके हिसाब से वो प्रतिनिधि चुन के आते हैं। अब कोई कहे फिक्सिंग हो गया, कोई कहे कि इन्होंने मतलब पहले से ही कोई सूचनाएं दे दी उनको, वो अपना देखिए। बाकी हम तो जन अपेक्षाओं के अनुरूप हमने उम्मीदवार उतारे, जनता जिसको पसंद करती है उस क्षेत्र में, जिसने सेवाएं की है या जिस पर जनता विश्वास करती है, तो हमने ऐसे लोग उतारे हैं। अब किसी के मन में कुछ भय है तो हम उसका तो जवाब मैं क्या दूँ, तो मन में डर के मारे और मैच फिक्सिंग बोले, तो फिक्सिंग मैच तब होता है जब उसका प्रतिनिधि भी शामिल हो, नहीं तो उनको देख रहे हैं। सब क्या होती है, अब महत्वाकांक्षा ये सब में होती है, और जब किसी एक को मिल जाता है और दूसरा उसका सहयोग करता है तो इसको बगावत नहीं कहेंगे, इसको हमारे संगठन की और एक मजबूत मतलब आधार उसको कहेंगे कि भी संगठन हमारा मजबूत है, दृढ़ है और अनुशासन है। बगावत तो वहाँ है जहाँ लोग खुल के बोलते हैं, बगावत वहाँ है जो विद्रोही के रूप में खड़ा है, वहाँ बगावत है, हमारे यहाँ कोई ऐसा नहीं। ये हमारी छवि उज्ज्वल होती हो ऐसे को आगे लाना, जिससे कोई प्रतिष्ठा को हानि पहुँचे उसको रोकना, इसके लिए वो बहुत निश्चित रूप से अपने अनुभवों के आधार पर निर्णय करेंगे, और जो उनकी टीम है उसका चयन भी इन्होंने सोच समझ करके किया है। थोड़ी बहुत मुझे भी जानकारी है, मैं भी चार बार जिला देख रहा हूँ और विभिन्न कार्यक्रमों में मैं रहा हूँ, तो मुझे पता है जैसी इन्होंने टीम तैयार की है उसके साथ में मिल करके ये चुनाव प्रक्रिया अपनाएंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार हमारी चुनाव प्रक्रिया चलेगी। आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद।